हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छी बात है समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, डाउट सेक्शन में जाके डाउट पूछने हैं। सो, हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कल के लेक्चर में, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, प्रोसेस पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ लिया, एज वेल एज फिजियोलॉजी पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, हमने ये सारा सब कुछ पढ़ लिया था। एक हम टर्म देखेंगे जो मैंने कल नहीं बताई थी लास्ट लेक्चर में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ओके। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है? ये इंटेस्टाइन जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में इनवॉलेंट्री, क्या है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मस एलिमेंट्री कैनाल। क्या कह रहे हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब यह है कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, और यू कैन से प्रिसाइजली कि उसकी मसल्स में होने वाली जो लाइनिंग है उसमें होने वाले कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसपे आपका जो नहीं चलता है, यानी कि दिस इज द जिसपे हमारा कोई बस नहीं चलता, हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री, राइट? आप खाना खा रहे हैं, अंदर तो आपने स्वेलो कर लिया, अंदर तो जाएगा ही, और अंदर वो कैसे पहुंचता है? इसोफेगस से ट्रैवल करके स्टमक तक पहुंचेगा, स्टमक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज प्रोसेस इज अ इनवॉलेंट्री, राइट? जिसपे सिर्फ ब्रेन का कंट्रोल है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री उसे कहते हैं जिसको जिसके ऊपर, जिस एक्शन के ऊपर, जिस एक्टिविटी पर हमारा कंट्रोल है। जैसे बोलने पर मेरा कंट्रोल है, मैं चल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, इस पर मेरा कंट्रोल है, इट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री एक्टिविटी। नाउ ये तो हो गया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया। एक हमने कहा था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स में हम बात करते हैं, पहला तो हमने देखा था क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे मिलता है। न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड लिपिड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एज वेल एज कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे जिनका स्मॉल अमाउंट भी बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायर्ड तो उसकी बहुत स्मॉल अमाउंट की होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो जैसे कि हमने कहा, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली द विटामिन्स, एक विटामिन है विटामिन ए। इस विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाने पर कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्या हो सकता है? कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो बेसिकली विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी फॉर द आई एक्टिविटी के लिए। कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि उस पेशेंट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को डिम लाइट में या फिर एकदम अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम जनरली, हमें डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं, हम चीज़ों, जैसे लाइट चली जाती है कुछ देर बाद हमें दिखने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि हाँ, इज देयर समथिंग। एकदम पहले तो ब्लैंक हो जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें कुछ कुछ एहसास होने लगता है कि हाँ, हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की कमी है तो ये उसे नहीं दिखेगा, इवन डिम लाइट में भी उसको नहीं दिखेगा। नाउ एक और विटामिन है, जैसे कि विटामिन बी। ये विटामिन बी जो है कौन सा होता है? इसका कंपोनेंट होता है थियामिन। इसका कंपोनेंट होता है थियामिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? इसकी डेफिशिएंसी से बैरी बैरी डिजीज हो जाएगी। क्या हो रहा है? बैरी बैरी डिजीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाती है, एज वेल एज यहाँ पर क्या हो रहा है?
मसल्स क्या हो जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। बेरी बेरी में हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, एज वेल एज मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, नर्व्स वीक हो जाएंगी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। अब एक और आता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन सी बेसिकली किसके लिए चाहिए होता है, ये चाहिए होता है स्किन के लिए। क्या किस लिए चाहिए होता है, स्किन के लिए चाहिए होता है, एज वेल एज डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन बहुत ही ख़राब सी होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि लिप्स जो होते हैं, लिप्स में क्या होता है, कई बार देखा होगा खून आने लग जाता है ना, कईयों के होता है, तो वो किस वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। स्किन पर इफेक्ट पड़ता है, स्किन अफेक्टेड, ऐसे क्रैक्स होने लग जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई सी हो जाती है, क्रैक्स होने लग जाते हैं, कई बार तो समटाइम्स इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है कि क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे ब्लड सा निकलने लग जाता है। जनरली ये लिप्स के आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है, लिप्स हमें देख के पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो पर्सन है वो क्या है, डेफिशिएंट है किसी विटामिन से। सो नाउ विटामिन दूसरा कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स क्या हो जाएंगी, बोन्स विल अफेक्टेड, बोन्स क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी, यानी कि बोन्स जो हैं वीक होने लग जाएंगी, आपके फ्रैक्चर जल्दी होने लग जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से फ्रैक्चर जल्दी होगा, बोन्स में पेन होने लगेगा, सो बोन विल बी अफेक्टेड एंड गॉट वीकन। सो ये था न्यूट्रिएंट्स, हमने कुछ पढ़ लिया है कि विटामिन्स, इस टाइप के कुछ विटामिन्स होते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज। आपके पास नोट्स मॉड्यूल्स के अंदर जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे उसे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जो मुझे लगता है हम यहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। इस लेक्चर के साथ ही आप कुछ क्वेश्चन भी हम करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम जो एक्सरसाइज उठाने वाले हैं बच्चों, तो एक्सरसाइज है हम एमसीक्यूज उठाने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको या तो करेक्ट वन निकालना है या फिर आपको कोई रॉन्ग आंसर को ढूंढ के निकालना है। बेसिकली इस आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको लगाना पड़ता है कि विच वन इज़ राइट विच वन इज़ रॉन्ग, आपकी पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर टू विच इज़ बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। सो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं, हम उठाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन, एंड दैट क्वेश्चन नंबर इज सेइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर, क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर। इसमें आपके पास चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ओमनीवोर्स, ए ओमनीवोर्स, बी हर्बीवोरस, सी कार्निवोरस और डी ऑटोट्रॉपिक। अब आप वीडियो पॉज करके खुद रिकॉल कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। हमने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या है, हर्बीवोर्स भी है एज वेल एज कार्निवोर भी है, तो यानी कि हर्ब्स भी लेता है, एनिमल भी कंटेन फ्लैश भी खाता है अपने खाने में। सो हम कह सकते हैं कि क्या है, ह्यूमन कार्निवोर्स है, कार्निवोरस, क्या है, कार्निवोरस। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट, क्या है क्वेश्चन आंसर इसका है, सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम जो लेने वाले हैं अब, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, देखिए ये तो बहुत फर्स्ट, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू है गैस्ट्रिक जूस इज, अब हम पढ़ चुके हैं जितने भी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के हमने कुछ सीक्रेशंस भी पढ़े थे। गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेशन है, बताइए वो किसका सीक्रेशन हो सकता है। सो यू हैव फोर सीक्रेशन, पहले तो आप मुझे बताइए उसका क्या सीक्रेशन होगा।
किस डाइजेस्टिव ग्लैंड का सीक्रेशन है? गैस्ट्रिक इज अ सीक्रेशन ऑफ स्टमक. गैस्ट्रिक जूस इज अ सीक्रेशन ऑफ स्टमक. सो नाउ अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा है? एसिडिक है, एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है या स्लाइटली एल्कलाइन होता है. हमने पढ़ा था कि स्टमक जो है, स्टमक जो है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है. नाम में ही लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट मीन्स जो गैस्ट्रिक जूस है उसका नेचर कैसा होगा? वो होगा एसिडिक. क्या होगा? एसिडिक होगा. सो इसका आंसर नंबर ए जो है करेक्ट है, एसिडिक. नाउ अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय. क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय. अब यहां पर हमने कल ही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि बाइल जो है हम किसे कह रहे हैं. ठीक है, यहां पर ऑप्शन देखिए, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन एंड लिवर. अब देखो पैंक्रियास और स्प्लीन जो है वो तो रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही प्रोड्यूस करते हैं और ना ही सीक्रेट करते हैं. सो बेसिकली अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो बचता है गॉल ब्लैडर और एक बचता है लिवर. ये दोनों ही रिलेटेड हैं, गॉल ब्लैडर एंड लिवर, ये दोनों ही इसी से रिलेटेड हैं, बाइल जूस से. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि प्रोड्यूस कौन करता है, यानी कि और सीक्रेट कौन करता है. सो बेसिकली जो प्रोडक्शन वाला काम है वो कौन करता है? फैक्ट्री करती है. प्रोडक्शन का काम कौन करता है? फैक्ट्री करती है. सीक्रेशन का काम भी कौन कर रहा है? फैक्ट्री कर रही है. तो यहाँ पर बाइल जूस के लिए जो फैक्ट्री है वो है लिवर. गॉल ब्लेडर तो ओनली क्या करता है? इट ओनली स्टोर्स द बाइल जूस. बाइल जूस, लिवर के सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं. सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लिवर, डी. ठीक है, सो क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बाइल की यहाँ पर पूछ लिया. अब आपके पास दो ऑप्शन थे, आपको लग रहा था कि दोनों में से कोई एक आंसर सही है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग. ठीक है, तो उसने पूछा है प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड. अगर यहाँ पर लिखा जाता कि बाइल इज स्टोर्ड बाय, तब आप यहाँ पर गॉल ब्लैडर क्या कर देते? करेक्ट करते. सो हमारे ये तीन क्वेश्चंस हो चुके हैं. नाउ अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन. क्या उठा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर नाइन उठा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इट सेइंग? विच सेट इज मिक्स्ड विथ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने कल बताया था, हमने लिखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कौन सा जूस मिक्स होता है, इस फूड के साथ क्या क्या मिक्स होता है. तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल. अब ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में सलाइवा सीक्रेट नहीं होता है. सलाइवा ओनली सीक्रेटेड बाय द बक्कल कैविटी. आई मीन टू से कि बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, विच इज़ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द सलाइवा, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो ये इंटेस्टाइन में नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. बी ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, बाइल पैंक्रियाटिक जूस. अब देखो बी ऑप्शन में पहला कह रहा है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस जो है वो ओनली एंड ओनली सीक्रेटेड एंड एक्टेड देयर ओनली. सीक्रेटेड किससे होता है? ओनली स्टमक से. ठीक है, तो ये स्टमक वाला है, तो ये स्टमक फूड, वहाँ पर जब फूड पहुँचेगा तो स्टमक से रिलीज किया जाएगा गैस्ट्रिक जूस. लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस का कोई काम नहीं है. सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. हाउएवर द अदर टू ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस. बट क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस दिया हुआ है, तो ये हम इसे क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे. नाउ थर्ड ऑप्शन इज बाइल पैंक्रियाटिक जूस एंड सक्कस एंट्रिकस. यहाँ पर बाइल पैंक्रियाटिक जूस, बाइल क्या कह रहा है? बाइल का मतलब है लिवर, पैंक्रियाटिक का मतलब है पैंक्रियास से रिलीज होने वाला जूस, सक्कस एंट्रिकस का मतलब है इंटेस्टाइन. सक्कस एंट्रिकस का मतलब है
इंटेस्टाइन की यहाँ पर बात हो रही है. सो बेसिकली ये जो सी ऑप्शन है इट मस्ट बी करेक्ट. फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं. डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड सिलाइवा. सेम, सिलाइवा यहाँ पर होता ही नहीं है तो डी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी. फूड के साथ क्या मिक्स होता है, बाइल होता है, पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल जूस. ठीक है. सो यहाँ पर इंटरसक्कस इंटरस भी कहा गया है यहाँ पर. सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी. ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेस. अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेस, लाइपेस क्या एंजाइम है, लाइपेस वो एंजाइम है जो कि लिपिड पे एक्ट करता है. दैट केमिकली किस पे एक्ट करेगा, लिपिड पे. मैंने कहा था कि जो जनरली एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड होते हैं, उनके नाम जो है सबस्ट्रेट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट क्या है उस एंजाइम का, उसी के बेसिस पर उसका नाम किया जा नाम रखा जाता है. जैसे कि लिपिड इज अ सबस्ट्रेट, तो उस पर लिपिड इज अ सबस्ट्रेट फॉर अ एंजाइम, तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा, लाइपेज एंजाइम होगा. ठीक है. सो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम पूछ रहा है कि गुड सोर्स ऑफ लाइपेज कहाँ मिलेगा. पहला ऑप्शन है सलाइवा. सलाइवा में ओनली टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज मिलेगा. ठीक है. गैस्ट्रिक जूस में ओनली HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस मिलेगा. बाइल के अंदर किसी भी टाइप का कोई केमिकल, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. बाइल के अंदर कोई भी केमिकल एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, वो केवल और केवल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. राइट. नाउ तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो दैट मींस क्या बचा, डी ऑप्शन, दैट इज अ पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या हो रहा है, लाइपेस बहुत अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ अब हम देखते हैं द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी के अंदर. हमने कल बात करी थी कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है लेकिन छोटी है. आपने हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि इसका स्ट्रक्चर छोटा था. गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत छोटी छोटी होती हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग पर प्रेजेंट होती हैं. एड्रेनल इज ऑल्सो अ स्मॉल ग्लैंड इन कंपेयर टू लिवर. ओके. सो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चंस थे 1, 2, 3, 9, 10, 14. अब एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे. एक्सरसाइज नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप ओलंपियाड के लिए करेंगे, ओलंपियाड NTSC की जब तैयारी करेंगे, एंड इनमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. तो जैसे सबसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोरेनिन. प्रोरेनिन अकर्स इन, प्रोरेनिन किस में प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये पूछ रहा है प्रोरेनिन किस में मिलेगा, सलाइवा. नो, सलाइवा में नहीं मिलता है. तो कहाँ मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस. यस, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है प्रोरेनिन. बेसिकली मैंने शायद बताया था कि रेनिन वहाँ पर प्रेजेंट होता है. क्या, रेनिन कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है. गैस्ट्रिक जूस में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला तो पेप्सिन, HCl, म्यूकस एज वेल एज रेनिन. रेनिन जो होता है पहले वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में. प्रोरेनिन के फॉर्म में रिलीज होता है एंड देन ये प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl. ठीक है. तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रो का मतलब रेनिन से पहले की कंडीशन जो कि इनएक्टिव फॉर्म रहता है. कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है. और ये कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक
जूस में स्टमक से रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, द ऑप्शन इज बी, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे HCl, क्वेश्चन नंबर 3, दैट HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके नोट्स में भी शायद नहीं लिखा हुआ था और मैंने भी शायद नहीं बताया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि HCl जो है, HCl विच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है? स्टमक। तो स्टमक की सेल्स गैस्ट्रिक जूस बना रही हैं, तो HCl को रिलीज करने वाली कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, और उन स्पेशल सेल्स को हम क्या कह रहे हैं वो पूछना चाह रहा है। सो ए ऑप्शन है चीफ सेल्स, नो देयर इज नो चीफ सेल्स। बी सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल, यस इट इज अ ऑक्सेंट्रिक सेल। द सी ऑप्शन इज गॉबलेट, नो देयर इज नो गॉबलेट सेल्स। कॉल्यूमर सेल्स, नो। तो जो HCl सीक्रेट करने वाली सेल्स हैं वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सेंट्रिक सेल्स। कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको अभी याद करनी पड़ेंगी, आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने नोट्स में, जैसे कि हमने अभी बात की थी प्रोरेरिन की एंड ऑक्सेंट्रिक सेल्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछ रहा है? द मेजर एनायन प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा मेजर एनायन प्रेजेंट होता है? विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ सीक्रेटिनेस। द मेजर एनायन प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस, हमें से भी यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा मेजर आयन यहाँ पर प्रेजेंट, एनायन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट। सो बेसिकली यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ना तो क्लोराइड होता है, ना ही ब्रोमाइड होता है, ना ही फॉस्फेट होता है। ठीक है, ब्रोमाइड और फॉस्फेट तो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, और क्लोराइड जो है वो जनरली आपको कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा। सो बचता है लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, विच इज बाइकार्बोनेट। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एनायन जो प्रेजेंट है वो कौन सा है? डी ऑप्शन, बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सो दिस एक्सरसाइज इज डन। अब कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डाउट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं इन योर ड्रोना ऐप। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा एक्सरसाइज, एज वेल एज फिजियोलॉजी चैप्टर, ये पूरा डाइजेस्टिव वाला कंप्लीट हो चुका है।